नमस्कार, मैं योग गुरु सुरेंद्र सिंह और मेरे साथ है योगिनी करुणा सिंह। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पश्चिमोत्तान आसन कैसे किया जाता है। पश्चिमोत्तान यानी पीठ को आगे की ओर तानना योग में कहलाता है पश्चिमोत्तान आसन। तो आइए सबसे पहले करते हैं पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपने दोनों पैरों को दंडासन में यानी दोनों पैरों को फैला लिया जाता है। पैरों के पंजे परस्पर आपस में मिले होते हैं और हमारे घुटने परस्पर आपस में मिले होते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, लंबा गहरा सांस भरना होता है और अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाना होता है। देखिए, लंबा गहरा सांस भरा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ते हैं। और यदि हम फ्लेक्सिबल हैं तो अपने फोरहेड यानी माथे को भी अपने घुटने पर लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, ये योग में कहलाता है पश्चिमोत्तान आसन। अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो अपनी नीज को भी आप आगे लगा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आइए योगी, हम दो से तीन बार करके बताएंगे जिससे आप लोग समझ सकें कि पश्चिमोत्तान आसन कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। एक बार और करिए, लंबा गहरा सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को अंगूठों को पकड़ लीजिए और आगे की ओर झुक जाए। पश्चिमोत्तान आसन जिन लोगों को कफ रहता है, गैस रहता है, जीर्ण रहता है, उनके लिए रामबाण आसन होता है। और इनफैक्ट जिन लोगों को पैनक्रियास को एक्टिवेट करना होता है या जिनको शुगर होती है, उनके लिए भी रामबाण आसन होता है। धीरे धीरे वापस आइए योगी, एक बार और करेंगे। कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी होंगी, जो लोग भी पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करते हैं एक बार पुनः कर लीजिए। लंबा गहरा सांस भरिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों के अंगूठे को पकड़िए और अपने माथे को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ सावधानी जरूर रखनी होगी, जिन लोगों को लोअर बैक में समस्या होती है उनके लिए पश्चिमोत्तान आसन वर्जित होता है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए वर्जित होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित होता है। लेकिन जो नए अभ्यासी उनको योग गुरु के सानिध्य में इसका अभ्यास करना होगा। योगिनी धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए और सुखासन में बैठ जाइए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। तो ये आपने देखा पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन का 3 से लेकर 5 बार अभ्यास करना चाहिए। कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी होंगी, जो लोग नए अभ्यासी हों उनको चाहिए कि योग गुरु के सानिध्य में इसको सीखना चाहिए और धीरे धीरे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो वैसे वैसे आपको अपने फोरहेड को अपनी नीज पे लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आपने देखा पश्चिमोत्तान आसन। अगले प्रोग्राम में योगा लवर्स के बैनर तले हम आपको किसी और आसन या प्राणायाम मुद्रा के बारे में बताएंगे।